भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर रोज हर उम्र का व्यक्ति सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस ढूंढता रहता है और उसमें अपना भविष्य बनाने के बारे में सोचता है। क्या आप भी ऐसा बिजनेस तलाश कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बिजनेस हो? तो इस वीडियो में मैं आपको इंडिया यानी भारत में कम इन्वेस्टमेंट और बिना बड़े रिस्क उठाए आसानी से शुरू किए जाने वाले 7 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस आइडिया है जनरल स्टोर। ये एक सदा बार और साल के पूरे 365 दिन सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। आप जहाँ भी रहते हैं रोज के सामान और किराने की जरूरत हर इंसान को होती है। ऐसे में अगर आप अपने आसपास या अपने गांव या शहर में थोड़ा सोच समझकर एक ऐसी जगह लेकर, जमीन आपकी खुद की है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप किराए पर भी ले सकते हैं और आसानी से जनरल स्टोर खोल सकते हैं। इस बिजनेस में पैसे भी ज्यादा नहीं लगते और सबसे अच्छी बात ये भी है कि इस बिजनेस में आपकी पढ़ाई या डिग्री कोई मायने नहीं रखती। अगर आपको थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना आता है तो आप आसानी से अपने एरिया में शानदार जनरल स्टोर खोल सकते हैं और साल भर अच्छी कमाई कर सकते हैं। लागत यानी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरू में आपको किराए से जमीन लेने में और स्टोर में सामान लाने में लगभग 1,00,000 रुपए से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। प्रॉफिट की बात करें तो यानी कि शुरुआती प्रॉफिट की बात करें तो 20,000 से 30,000 महीना आसानी से कमा सकते हैं। दूसरा बिजनेस आइडिया है सुपरमार्केट। अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्ट करने लायक रकम है और आप सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो सुपरमार्केट आपके लिए ही है। सुपरमार्केट खोलने के लिए एक ऐसी जगह चुने जहाँ पर बड़े बड़े फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो और सोसाइटी हो, तो आपका सुपरमार्केट बेहतरीन चलेगा। आप इसमें ग्रोसरी भी रख सकते हैं, डेली यूज का सामान भी रख सकते हैं और सब्जियां और भी बहुत कुछ रख सकते हैं जो कि निश्चित तौर पर आपकी रोज की मोटी कमाई करवाएगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआत में आपको 4 से 5 लाख रुपए लग जाएगा। प्रॉफिट की बात करें तो शुरुआती महीने की प्रॉफिट 30,000 से लेकर 50,000 तक हो सकती है। तीसरा बिजनेस आइडिया है रेस्टोरेंट। आज 21वीं सदी के इस दौर में खाना एक प्रकार की लग्जरी में आता है। लोग लगभग रोज घर के बाहर खाना पसंद करते हैं और अगर आप ऐसे में रेस्टोरेंट लेकर आते हैं जो कम से कम दाम में स्वादिष्ट खाना दे तो आपका बिजनेस सबसे ज्यादा चलने वाला साबित होगा। यदि आपके पास इतनी लागत नहीं है कि आप एक अच्छा बड़ा सेटअप डाले तो आप एक छोटे से रेस्टोरेंट से भी शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरू में आपको कुछ अच्छे काम करने वाले, खाना बनाने वाले लोगों और एक अच्छी जगह की जरूरत होगी जहां आप अपने रेस्टोरेंट का बिजनेस चला पाए। रेस्टोरेंट ऐसी जगह पर खोले जहां पर हमेशा भीड़ रहती हो। प्रॉफिट की बात करें तो इस बिजनेस में कम से कम 25% से लेकर 30% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। चौथा बिजनेस आइडिया है कैटरिंग। शादी या पार्टी या बर्थडे या ऐसे कोई भी मौके होते हैं जब हम खुशियां मनाते हैं तब हमें एक बेहतरीन कैटरर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतनी बड़ी दावत में कोई खुद खाना नहीं बना सकता। इसलिए कैटरिंग का बिजनेस जितना है उतने ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है। आपको बस कुछ खाना बनाने वाले लोग और कुछ बर्तन की जरूरत होगी। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कैटरिंग के बिजनेस के लिए आपको 1 से 2 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। प्रॉफिट की बात करें तो कैटरिंग के बिजनेस में 30% तक का मार्जिन होता है जो कि शुरुआती तौर के लिए बेहद आकर्षक है। नंबर 5 पर है रेडीमेड नमकीन। आजकल हर घर में लोग कामकाजी है और महिलाएं भी आजकल घर पर नाश्ता या नमकीन बनाना पसंद नहीं करती, क्योंकि लोगों को रेडीमेड नमकीन खाने की आदत सी हो गई है। आपने देखा होगा त्योहार हो, पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम हो, रोज ही एक स्वादिष्ट नमकीन की मांग होती है। ऐसे में नमकीन का बिजनेस शुरुआत में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस बन सकता है और आपको आसानी से लाखों रुपए की कमाई दे सकता है। लागत की बात करें तो आपको बस अच्छे कामगार लोग चाहिए होंगे जो नमकीन और इसमें अच्छी वैरायटी बनाना जानते हो और एक छोटी सी जगह में भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। प्रॉफिट की बात करें तो जिस बिजनेस में लागत सबसे कम हो असल में वही अपने आप में सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। छठवां बिजनेस आइडिया है मसालों का बिजनेस। भारत में जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है वही हर प्रदेश और हर शहर में खास अलग अलग खान पान है, तो खाने के मसालों का बिजनेस वैसे ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसके बिना स्वाद भी नहीं आता। इसीलिए खाने के मसालों की आवश्यकता
आवश्यकता तो हर घर में होती है। ज्यादा चलने वाला बिजनेस शुरू करना चाहते है तो मसालों का बिजनेस सबसे अच्छा साबित हो सकता है। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लागत के तौर पर आपको चक्की और खड़े मसाले लगेंगे जो कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। प्रॉफिट कितना होगा इसे अगर बिजनेस बना दिया जाए और शुरू किया जाए तो यहाँ से हर महीने 50,000 से ज्यादा कमाई हो सकती है। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सातवां बिजनेस आइडिया है टेंट हाउस। टेंट हाउस का बिजनेस भी आज के इस दौर में सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि बिना टेंट लगाए हम कोई भी काम नहीं करते, जैसे कि शादी पार्टी, घरेलू फंक्शन, धार्मिक आयोजन, मंदिर या ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर टेंट की आवश्यकता होती है। इस बिजनेस में आपको शुरुआत में बस थोड़े से निवेश की जरूरत होगी और फिर एक बार जब आप अपने एरिया में पॉपुलर हो गए तो आसानी से आपको शादी पार्टी या बर्थडे या कोई भी त्योहारों के लिए आपको ऑर्डर मिलेंगे। लागत की बात करें तो शुरुआती लागत 1,00,000 भी हो सकती है और आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो लागत बढ़ भी सकती है। बात करें प्रॉफिट की तो टेंट हाउस से आप अनुमान लगा लीजिए कि एक टेंट हाउस ओनर हर महीने 30,000 से 50,000 रुपए कमा सकते हैं, शायद इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। इंडिया में अपना खुद का बिजनेस करना और उसमें सफल होना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस शर्त ये है कि आप लगन और मेहनत से उस बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की सोच रखिए। इसके अलावा आपको और भी बिजनेस आइडिया की तलाश है तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, मैं आपका वही इंतजार करता हूँ।